हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ और घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी स्नेहमा की रसोई में बनने जा रहा है जालंधर यानी कि पंजाब का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड। तो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, मार्केट में नए आलू की आपको भरमार दिख रही होगी, वही छोटे वाले आलू जिसके हम दम आलू बनाते हैं, तो वही वाले हमें आलू यहाँ पर यूज करने और बहुत ही खस्ता क्रिस्पी ये नाश्ता हमारा बन के तैयार होगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बना करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने ले लिए बेबी पोटैटोस और यहाँ पे इसकी मेन बात है कि आपको इनका जो छिलका है वो बिल्कुल भी उतारना नहीं है, डायरेक्ट इनको अच्छे से 3 से 4 बार पानी से धुल लेंगे ताकि इनमें जितनी भी मिट्टी वगैरह हो वो निकल जाए। तो यहाँ पे करीबन मैंने 1 किलो आलू लिया, और अगर इसमें कोई काला या फिर इस तरीके से हरा आलू तो उसको आप हटा दें, बिल्कुल भी यूज ना करें। और इस तरीके से अच्छे से सभी आलू को मसल मसल के हम अच्छे से साफ कर लेंगे, क्योंकि ये जो छोटे वाले आलू होते हैं, जो नए आलू इस टाइम मार्केट में आ रहे हैं, इनमें काफी ज्यादा मिट्टी भी होती है। तो अच्छे से हमें इनको इस तरीके से धुल लेना है जिससे कि इनमें बिल्कुल भी मिट्टी ना रहे, और जितना छोटा आप ले सकें उतना ही छोटा इसके लिए आलू लें, वही उतना बेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से काला आलू था, इसको भी हम हटा देंगे, बिल्कुल इसको हम यूज नहीं करने वाले इसमें। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने आलूओं को धुल लिया, एक बार इनका पानी में फिर से चेंज कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिया एक प्रेशर कुकर और सारे आलू मैं इसमें डाल दूंगी, और इसमें आधी ग्लास मैंने पानी डाल दिया था, बहुत ज्यादा भी हमें पानी नहीं डालना। अब इसके हम लिड लगा देंगे और इसको हम रख देंगे गैस पर, और 3 से 4 सीटी हम कुकर में लगा लेंगे जिससे कि हमारे अच्छे से आलू बॉईल हो जाएंगे। अब इस नाश्ते के लिए हमें मूली चाहिए, तो मूली को मैंने पहले ही ग्रेट कर लिया, और मूली का पत्तों का भी हम यूज करेंगे चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने ले लिया हरा धनिया, कुछ हरी मिर्च, थोड़ी सी मूंगफली और मूली के पत्ते। तो इन सभी चीजों को जार में डाल देंगे इस तरीके से, और फिर हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हींग, स्वाद अनुसार काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसकी लिड लगा के अच्छी सी चटनी हम बना के तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया ही मूली की पत्तों की चटनी बनती है। तो आगे अब लेंगे हम यहाँ पे पालक। तो ये नाश्ता बहुत ही हरी भरी सब्जियों से बनके तैयार होगा, तो हेल्दी भी होगा और बहुत ही टेस्टी भी होगा। तो यहाँ पे मैं इसमें से आधी पालक का यूज करूंगी और आधी पालक को मैं साइड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने पालक को अच्छे से धुल लिया था पहले, और अच्छे से इसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें पालक को इसी तरीके से रफली चॉप कर लेना है, मोटा मोटा सा, बहुत ज्यादा बारीक भी कट नहीं करना है। और इसी के साथ हम कट करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो यहाँ पे पालक कट हो चुकी है और साथ में मैं कट कर लूंगी हरा धनिया भी। अब धनिया को भी हमने कट कर लिया, पालक को और धनिया को दोनों चीजों को हम अच्छे से धुल देंगे ताकि मिट्टी वगैरह वो निकल जाए, इनको हम रख देंगे साइड में। अब यहाँ पे हमारे प्रेशर कुकर में सीटियां भी आ चुकी, तो अब प्रेशर निकल चुका है। तो यहाँ पे हम लिड हटा देंगे और देख लेते हैं कि आलू हमारे अच्छे से बॉईल हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से जो सारे आलू थे बॉईल हो चुके हैं, अब इनका हम पानी निकाल देते हैं और एक बड़े से परात में हम इन आलूओं को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी आलू को मैंने निकाल लिया इस तरीके से। अगर आपको लगता है कि आपके आलू थोड़े से बड़े, तो इस तरीके से आप आलू को थोड़ा कट कर लें, तो 2 पीसेस में आप आलू को कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी छोटे ना करें वरना तो जो नाश्ता को अच्छा नहीं बनेगा। अब जो पालक थी वो मैंने धुल के रखी हुई थी पहले से ही, तो पालक इसके ऊपर डाल देंगे, और साथ में जो हमने धनिया कट करके रखा था वो धनिया भी हम साथ में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 गाजर को इस तरीके से ग्रेट करके रखा था, तो गाजरों को भी हम इसी में डाल देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने लिए 4 हरी मिर्च जिनको मैंने बारीक कट कर लिया था, वो भी हम डाल देंगे साथ में ही। अब हम लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और फिर हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला। तो चाट मसाला भी जरूर ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर ये ना हो तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे 1 कटोरी बेसन, अभी मैं यहाँ पे 1 कटोरी बेसन डाल रही हूँ, अगर जरूरत पड़ती है तो बाद में मैं और इसमें ऐड करूंगी। तो अच्छे से हम बेसन को मिक्स कर लेंगे, और याद रखें यहाँ पे बिल्कुल भी हमें पानी का यूज नहीं करना है, केवल बेसन में ही हमें इन सभी चीजों को मिक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 कटोरी मैंने बेसन और डाल लिया, तो यहाँ पे करीबन 2.5 कटोरी हमारा बेसन लग चुका था इतने में। यहाँ पे अब हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो इस नाश्ते को यूजुअली वहाँ पे एक सांचे से बनाया जाता है, बट घर पे तो हमारे सांचा होता नहीं है, जिस तरीके से घेवर बनाया जाता है उसी तरीके से इसके लिए सांचा होता है, बट यहाँ पे हम इस तरीके से स्पैचुला यूज करेंगे जिससे हम ये नाश्ता बना के तैयार करेंगे। तो ऐसे स्पैचुला तो सभी घरों में होते ही है। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से फिर से मैंने मिक्स कर लिया। अब चलते हैं गैस की तरफ, रखते हैं गैस पर एक पैन। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है पैन में, और ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे ये मिक्सर भी हमारा रेडी है अच्छे से। अब इस तरीके से स्पैचुला से हम ये लेंगे सारा मिक्सर, और इस तरीके से आराम से जो हमारा ऑयल और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे, और आराम से इस मिक्सर को इसमें हम रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया से इसकी एक शेप आ चुकी है, तो हमें किसी भी सांचे की जरूरत इसमें नहीं पड़ी है, और बस आराम से अलटते पलटते हुए दोनों साइड से हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
और आप चाहते हैं इनको बाद में सर्व करना, तो आप क्या करिए, इनको एक बार थोड़ा सा फ्राई करिए, जिस तरीके से पकौड़ों को दो बार में फ्राई किया था उस तरीके से थोड़ा सा आप इनको फ्राई करिए, फिर आप इनको निकाल लीजिए। और जब भी आप इनको सर्व करना चाहें या फिर कोई आपके घर में गेस्ट आ रहे हो, तो गरम गरम ऑयल में आप इनको अच्छे से फ्राई कर लीजिए दोबारा से, तो बढ़िया से क्रिस्पी ये बनके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर से एक स्पून से मैं इस तरीके से ऑयल डाल दे रही हूँ जिससे कि अच्छे से सिक जाएंगे। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ इनको सर्व करने वाली हूँ, इसलिए दोनों साइड से मैं अच्छे से इनको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूंगी। अगर आपको बाद में सर्व करना है तो आप अच्छे से क्रिस्पी ना करें इनको, थोड़ा सा ही फ्राई करें, उसके बाद इनको निकाल के साइड रखते जाएं, और जब भी आपको सर्व करना तो अच्छे से दोबारा से एक गर्म ऑयल में इनको फ्राई करते जाएं। और जो ये पीस होता है जलंधर यानी कि पंजाब में, पर पीस 100 रुपीज का मिलता है, बट इतने से सामान में कम से कम 8 से 10 ये पीस हम बना के तैयार कर लेंगे। डिपेंड करता है कि हम साइज कितना इनका बना के तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये वाले जो पीस थे मैं थोड़ा छोटा बना के तैयार कर रही थी, तो आपके अकॉर्डिंग आप जितना छोटा बड़ा चाहें उतना ये पीस बना के तैयार कर सकते। इस तरीके से सारे मैं बना के तैयार कर लूंगी। और यहाँ पे देखिए, साथ के साथ मैं सारे क्रिस्पी करती जा रही हूँ, क्योंकि साथ के साथ मेरे को सर्व भी करने हैं अभी। तो यहाँ पे नाश्ते हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं अच्छे से एकदम क्रिस्पी। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इनको सर्व। तो यहाँ पे मैंने इनको प्लेट में लगा लिया है, और यहाँ पे हमने जो मूली कद्दूकस करके रखी थी वो हम लगा लेंगे। अब इसमें हम रखेंगे मीठी सौंठ यानी कि चटनी। तो इसकी जो वीडियो मैं चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी। साथ में हरी चटनी मूली वाली, और यहाँ पे रख दिया मैंने फेटा हुआ दही। तो बस यहाँ पे एक कंप्लीट थाली हमारी बनके तैयार हो चुकी है। और ये फेमस जो नाश्ता है जलंधर पंजाब का, इसका जो नाम है वो है शार्ले। तो वहाँ पे ये फेमस स्ट्रीट फूड है, और वहाँ पे आपको गली गली में यानी कि स्ट्रीट्स में ये देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही बढ़िया सा ये स्ट्रीट फूड होता है, क्योंकि हरी पत्तेदार सारी सब्जियाँ इसमें ऐड होती हैं, तो काफ़ी हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है, और बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्दी है। और जो आलू हमने इसमें यूज़ करी और बिना छिलका उतारे यूज़ किए, तो उसका भी अपना एक अलग टेस्ट आता है। तो आप मिले जुले तो लगभग हम सभी नाश्ते बनाते रहते हैं और खाते रहते हैं, पर ये जो नाश्ता है कोई डिफरेंट नाश्ता, तो ज़रूर आप एक बार इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा। और अगर आपने कभी ये नाश्ता खाया या फिर देखा है, तो वो भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अब यहाँ पे इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ जिस तरीके से वहाँ पे सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे हमने एक रख दिया शार्ले, ऊपर से रख दिया मूली जो हमने ग्रेट की थी, और फिर ऊपर से सौंठ, हरी चटनी और फेटा हुआ दही। अब यहाँ पे मैं फिर से ऊपर से डाल दूंगी थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी सौंठ। तो बस यहाँ पे हमारा विंटर स्पेशल नए आलूओं का नया नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। और जब एक बार ये नाश्ता घर पे बना लेंगे ना, तो बच्चे बार बार इसी नाश्ते को आपसे बनाने की डिमांड करने वाले हैं, और बाकी के सभी नाश्ते और चाट इसके आगे आपको और बच्चों को फीकी लगने वाली है। तो बस ये नाश्ता जो सीजनेबल कुछ सब्जी और आलूओं से मिलाकर बनता है, और बहुत ही टेस्टी एकदम क्रिस्पी बनके तैयार होता है। तो जब भी आपके घर में गेस्ट आ जाए, या आपका कुछ गर्मा गर्म खाने का मन करे, या फिर आप इसको बना के रख सकते हैं, और जब भी खाने का मन करे तो आप इसको गर्मा गर्म दोबारा से फ्राई कर सकते हैं, और बढ़िया से ये नाश्ता हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स से भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में लगे हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको साथ के साथ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।